आज पीओ कार्यालय में बालूमाथ में आरएल कंपनी के प्रतिनिधि और विस्थापित ग्रामीण पंचायतवासियों के साथ सीसीएल द्वारा एक बैठक रखा गया। इस बैठक में जो कॉन्ट्रैक्ट आरएल कंपनी के द्वारा माध्यम से लिया गया है उसके संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त किए और हम लोगों को यह जानकारी मिला कि जो 5 साल का ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है कंपनी के द्वारा ये 5 साल में 15 लाख टन कोयला आपका स्टॉक यार्ड जो तेतरिया खाड़ में है वहाँ पर ये डंप करेगा और बाकी का कोयला ये बालूमाथ रेलवे साइडिंग में हाईवा से ढो करके यहाँ लाएगा, जिसका हम लोग सभी पंचायतवासी विस्थापित ग्रामीण जिसका हम लोग विरोध किए हैं। क्योंकि ये हाईवा से जो साइडिंग में सरफेस माइनर का जो कोयला साइडिंग में डायरेक्ट पहुँचाया गया है उससे हमारे पूरे प्रखंडवासी प्रभावित होंगे और सभी को लॉस है। हम सभी प्रखंडवासियों एवं जिलावासियों से भी आग्रह करते हैं कि इस कार्य को रोकने में इसका विरोध जो हम लोग कर रहे हैं इसमें हमारा सहयोग करें ताकि ये काम शुरू ही ना हो, इसलिए हम लोगों को बहुत लॉस है। इस सरफेस माइनर का कोयला जो हाईवा से बालूमाथ साइडिंग जाएगा और हाईवा का हम लोग शुरू से ही विरोध करते हुए आए हैं, अभी विरोध कर रहे हैं। अगर नहीं मानी तो हम लोग सभी ग्रामीण विस्थापित ग्रामीण आंदोलन करने पर आतुर होंगे। हम लोग CMD ऑफिस का भी घेराव करेंगे, जो नियमता जो हम लोग को आंदोलन करने का जो रूपरेखा है उसको हम लोग तैयार करेंगे। क्या नाम हुआ? संतोष यादव। तेतरिया खाड़ परियोजना में एक कोयले और ओबी का कॉन्ट्रैक्ट कंबाइंड हुआ है जो 5 साल का है। उसमें कंपनी को 38 लाख क्यूबिक मीटर ओबी हटाना है और 80 लाख कोयला निकालना है। तो 80 लाख जो कोयला है उसमें जो है 85% जो है उसका सरफेस माइनर से निकालना है, बाकी 15% जो है आरओएम कोयला ब्लास्टिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के थ्रू निकालना है। तो जो कोयला जो निकलेगा सरफेस माइनर से वो डायरेक्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है सरफेस साइडिंग ट्रांसपोर्ट का है। ग्रामीण लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि कोयला डायरेक्ट जो है साइडिंग ट्रांसपोर्ट ना कराया जाए। इसी संबंध में लेकर के एक वार्ता लाई गई थी ग्रामीणों और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में प्रबंधक के साथ में। रहा है वैसा ग्रामीणों का कोई विशेष नुकसान नहीं है, क्योंकि पहले पूरा कोयला जो है जो भी प्रोडक्शन होता था वो लोग आरएम कोयला को जो है ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते थे। चूँकि अब सरफेस माइनर कोयला निकलेगा वो जो है साइडिंग जाएगा, इसी के लिए उसका विरोध कर रहे थे। डायरेक्ट साइडिंग ट्रांसपोर्ट हम लोग होने नहीं देंगे। अच्छा, डायरेक्ट साइडिंग ट्रांसपोर्ट वो हाईवा को लेकर हाईवा से होगा? फेस से आएगा तो हाईवा से ही बचोगे, फेस से तो ट्रक चढ़ेगा नहीं ना। अच्छा, सेफ्टी भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, रेट भी उसका कम है, इसलिए यहाँ अनलोडिंग में भी दिक्कत होता है। इसलिए डायरेक्ट हाईवा वहाँ लोड करेगा, यहाँ साइडिंग में अनलोड करेगा ताकि थर्मल पावर को सफिशेंट कोयला टाइम से मिल पाए। कंपनी देखे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को करवाएगी, समझ गए ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। हम लोग को पावर भी नहीं है चेंज करने का। किस कंपनी का ये? रामलाल अग्रवाल करके कंपनी है।